में नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा जिस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ पर इतने, अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए हैं, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिराया। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे, मित्रों गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को भूल जाना चाहते, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से फला हुआ एक फाइव स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसको जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के लिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां घड़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई वो जैसे देश का दुश्मन है, कम्युनिस्ट है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की मरना। क्या करना है इमेज का दोस्तों, किसके लिए इमेज? फूलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं जब मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा करता हूं। इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिराया। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे, और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से फला हुआ एक फाइव स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसको जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के लिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां घड़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई वो जैसे देश का दुश्मन है, कम्युनिस्ट है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से अंदर। शांति में नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा जिस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ पर इतने, अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए हैं, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं। अमरनाथ की यात्रा मित्रों गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को भूल जाना चाहते, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए।